हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं ट्रैक प्रतियोगिता यानी ट्रैक इवेंट्स रिलेटेड वे अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाला है। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को आप गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन 100% रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 100 मीटर की दौड़ में पहले व द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या होगा? तो इन दोनों को दोबारा दौड़ाना होगा, दोबारा मौका दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो सेकेंड के किस हिस्से तक का समय बताता है? तो वह 1/100वां भाग का समय बताता है। नेक्स्ट है, अगर मैराथन की दौड़ का समय 2 घंटा 51 मिनट 493 में आएगा, सेकेंड में आएगा, तो अंतिम रूप में किस समय की घोषणा होगी? तो 49 सेकेंड है तो 50 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा 51 मिनट 50 सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों, टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को कब स्टार्ट करते हैं? तो यह बंदूक के धुएं के देखकर और बंदूक की आग को देखकर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्टर क्या कमांड देता है? तो वह आनुर्मा से बंदूक की फायर यानी कि गो गन फायर 3 कमांड देता है। जैसा कि दोस्तों, जो ये कमांड होता है स्प्रिंट दौड़ों के लिए, स्प्रिंट दौड़ यानी 100, 200, 400 मीटर दौड़ों के लिए 3 कमांड दिया जाता है, एथलीट आनुर्मा से एंड गन फायर। एथलीट आनुर्मा सेट, सेट में क्या होता है? टोटल बॉडी वेट शोल्डर व हाथों पर होता है, बैलेंस जो है अस्थिर यानी कि गतिशील होता है। एंड गन फायर जो है वह सेट कहने के, सेट के 3 सेकेंड के अंदर गन फायर कर देना होता है। एंड जो मध्यम और लंबी दौड़े की दूरी होते हैं, लंबी दूरी की दौड़े जैसे कि 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000, इस प्रकार की दौड़े जो है 10000, ये 2 कमांड दिया जाता है, ऑन योर मार्क एंड गन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा कितने फाउल मिल सकते हैं? जैसा कि दोस्तों, पुराने नियम के अनुसार एक फाउल करेगा फिर दूसरा फाउल करता है तो सबको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन नए नियम के अनुसार प्रथम फाउल ही अंतिम फाउल है, यानी कि यहाँ पे एक फाउल मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग नापने के लिए रखा जाता है। तो यह स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे रखा जाता है। नेक्स्ट है, लंबी कूद व तिहरी कूद में विंड गेज ऑपरेटर कहाँ रखा जाता है? तो यह ट्रैक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे रखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? तो यह 1.22 मीटर ऊंचाई पर और 2 मीटर दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि 100, 200 दोनों के दौड़ में आपका 10 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो 13 सेकेंड के लिए। जैसा कि इसमें आपको ट्रिक लगाना है, जैसे कि 100 200 मीटर के जो रेस होता है उसमें 10 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है, और यहाँ पे 100 110 मीटर का बाधा दौड़ यानी कि
बाधा पड़ गया तो थोड़ा 2-3 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, यानी 13 सेकंड में मापा जाएगा बाधा दौड़ में। नेक्स्ट है 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, तो 10 सेकंड के लिए, यानी 100 200 दोनों के लिए। नेक्स्ट है लंबी कूद और तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, तो लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, तिहरी कूद यानी ट्रिपल जंप, जंप करना है बहुत जल्दी कर लेना है तो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए मापा जाता है हवा का वेग। नेक्स्ट दोस्तों 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्ट्रेट कितना निर्धारित होता है, तो जो स्ट्रेट लाइन होता है वह 84.39 मीटर निर्धारित होता है। नेक्स्ट है हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है, तो 100 200 मीटर दौड़ में भी मापा जाता है, 100 110 मीटर बाधा दौड़ में मापा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों ये था आपके एथलेटिक ट्रैक इवेंट्स रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके लिए हर बार पूछे जाते हैं एक दो क्वेश्चन, और जैसा कि यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था कि लंबी कूद और तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, ये पूछ लिया गया था, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होंगे उन्हें भी कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होगा उस टॉपिक को भी आप बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब था इसलिए आपको जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो पाई होगी, इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी क्षमा मांगती हूँ। एंड दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।